हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो पाइथन प्लस माई एसक्यूएल का कॉम्बिनेशन है। अगर आपने कोई टेबल माई एसक्यूएल में बनाई है तो क्या हम उसको पाइथन से डिलीट कर सकते हैं? आज का सवाल यही है, और अगर डिलीट कर सकते हैं तो कैसे? ठीक है, तो बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं। अब कैसे करेंगे उसको देख लेते हैं। तो यहां से सबसे पहले पाइथन को ओपन करना है और फिर हम लोग माई एसक्यूएल को भी ओपन करेंगे और देखेंगे कि उसमें कौन सा डेटाबेस है और कौन सी टेबल दी गई है। ठीक है, तो ये पाइथन की ट्रेडिशनल आइडियली ओपन कर रहा हूं। कारण क्या है कि ये आसानी से अवेलेबल है, सभी लोग इसका यूज करते हैं, दैट्स व्हाई। ठीक है, अब यहां पर क्या करूंगा, यहां पर माई एसक्यूएल को ओपन करूंगा। तो ये माई एसक्यूएल ओपन किया, ये वर्कबेंच है और यहीं पर इसे ओपन कर लेता हूं और आपको सारी बातें दिखाऊंगा, सारी चीजें दिखाऊंगा कि किस प्रकार से क्या चीजें होंगी। ठीक है, तो फिलहाल हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि किस प्रकार से हम टेबल के अंदर जो टेबल है उसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये देखिए शो डेटाबेसेस कमांड यहाँ लिखा हुआ है। अगर मैं इसको चलाता हूं तो ये डेटाबेसेस बने हुए हैं पहले से, देख सकते हैं। तो अगर किसी एक डेटाबेस को ले लेते हैं हम, जैसे सपोज कीजिए ये सैलरी डी नाम का डेटाबेस ही ले लेते हैं, तो अगर मैं, या फिर ये स्कूल वाला डेटाबेस ले लेते हैं, तो अगर मैं स्कूल का यूज कर लेता हूं तो देखिए स्कूल का तो यूज कर लिया। अब इसमें कितने टेबल्स हैं, शो टेबल्स से इसको देख लेते हैं। तो इसमें एक ही टेबल है स्टूडेंट टी, तो अगर हम यहाँ पे स्टूडेंट टी को सेलेक्ट करें, देखिए यहाँ पर ये दिया गया, तो लेकिन ये अलग टेबल है और हम जिसको चाहते हैं वो अलग टेबल है। तो यहाँ पर स्टूडेंट टी आप देख सकते हैं किस तरीके से लिखा गया, एकदम स्मॉल में है, तो बिल्कुल वैसे ही हमें भी लिख देना है। तो यहाँ पे लिखिए स्टूडेंट और फिर टी, तो ऐसे आप लिख दीजिए और टर्मिनेशन दे दीजिए और फिर यहां से इसको चला दीजिए। तो जब चलाएंगे तो इसमें ये देखिए देख सकते हैं कि इसमें कोई भी रिकॉर्ड फिलहाल इंसर्ट नहीं किया गया, लेकिन स्टूडेंट टी नाम से टेबल तो है हमारे पास, टेबल तो आपको दिख ही रहा है यहाँ पे, जिसमें कि नेम ऑफ स्टूडेंट है और क्लास है, दो फील्ड डाले गए हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी वैल्यू इंसर्ट नहीं कराई गई है। लेकिन इस टेबल को हमें डिलीट करना है। आप ये भी देख लीजिए कि डेटाबेस का क्या नाम है, डेटाबेस का नाम है स्कूल और टेबल का नाम है स्कूल स्टूडेंट टी। ठीक है, तो अभी हमको इसको डिलीट करना विद द हेल्प ऑफ पाइथन। तो ये कैसे करेंगे, तो पाइथन को सबसे पहले ओपन कर लीजिएगा। अब ये वाला पाइथन ओपन करने के पीछे मोटो ये है कि आसानी से अवेलेबल है, सभी लोग यही यूज करते हैं, दैट्स व्हाई इसी को यूज कर रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले चूंकि हमें माई एसक्यूएल में से डिलीट करना है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा कि हमें डिलीट कहां से करना है, माई एसक्यूएल में से। तो सबसे पहले कंट्रोल एन करके एक नया पेज लेते हैं और अब सारी कोडिंग यही होगी। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे इम्पोर्ट लिखते हैं हम, और इम्पोर्ट किसको करना है, तो माई एसक्यूएल को करना है। तो यहाँ पे लिख दीजिए माई एसक्यूएल, जैसे मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करिएगा, एकदम 100% आपका टेबल जो है डिलीट हो जाएगा, टेबल जो है गायब हो जाएगा जो कि दिख रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा माई एसक्यूएल डॉट कनेक्टर, तो यहाँ पे कनेक्टर का इस्तेमाल कीजिएगा, डॉट कनेक्टर, और एंटर करके नीचे आइएगा। अब किसी भी नाम से आप बना सकते हैं ये, जैसे मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ माई डीबी इज इक्वल टू, यहाँ पे लिख देते हैं माई एसक्यूएल। अब जिस नाम से बनाएंगे, जैसे मैंने माई डीबी के नाम से बनाया है, आप जिस नाम से बनाएंगे उसी नाम से एक्सेस भी करेंगे इसको बाद में। और फिर यहाँ पे कनेक्टर, फिर यहाँ पे लिखेंगे डॉट कनेक्ट। ठीक है, तो ये डॉट कनेक्ट लिख करके और ब्रैकेट को ओपन कर लीजिएगा और ओपन करने के बाद एंटर कर दीजिएगा। होस्ट हमारा क्या है, होस्ट इज इक्वल टू, हमारा होस्ट है लोकल होस्ट, आपका भी शायद यही होगा। ठीक है, तो ये हो गया लोकल होस्ट, और यहां पर जो नाम दिया जाएगा ना वही आपको यहाँ पे डालना है। जैसे क्वेश्चन दिया जाता है तो उसमें नाम भी दे दिया जाता है, फिलहाल तो हम सिस्टम से करा रहे हैं ये, तो यहाँ पे लोकल होस्ट ही रहेगा। ठीक है, और यूजर क्या रहेगा, तो हमारा यूजर है रूट, तो यूजर इज इक्वल टू आर डबल ओ टी रूट कर देते हैं और फिर कॉमा लगा देते हैं, और कॉमा लगाने के बाद नीचे आएंगे तो पासवर्ड डालेंगे। तो आपके कंडीशन में जो भी पासवर्ड, जैसे आपके केस में जो भी पासवर्ड होता हो वो पासवर्ड जरूर डाल दीजिएगा। ठीक है, पासवर्ड डालना जरूरी है, तो यहां पर मैं क्या करता हूं, लिख देता हूं पासवर्ड पी ए डबल एस डब्ल्यू ओ आर डी, पासवर्ड इज इक्वल टू, तो जो भी पासवर्ड है उसको मैं यहाँ पे डाल देता हूं। तो ये मेरा पासवर्ड है तो ये मैंने डाल दिया, और ये डाल करके क्या करना है आपको, कॉमा लगा देना है। और डेटाबेस का क्या नाम था, तो डेटाबेस का नाम तो हमें देखना पड़ेगा, स्कूल था शायद, और किस तरीके का था, देखिए स्मॉल में लिखा हुआ है स्कूल, तो यही डेटाबेस का नाम है। तो अभी हमें यहाँ पे चलना होगा और डेटाबेस का नाम डालना होगा, तो यहाँ पे लिखते हैं डी ए टी ए बी ए एस ई, तो डेटाबेस हो गया। और ये डेटाबेस किस नाम से है, तो स्कूल नाम से है, तो डबल कॉमा में लिख दीजिए एस सी एच डबल ओ एल, ये हो गया स्कूल। और अब इसको क्लोज करके फिर एंटर करके नीचे आइए और ब्रैकेट को क्लोज कर दीजिए। जैसे ब्रैकेट को क्लोज करेंगे तो यहां पर एक बना लेता हूं मैं माई कर्सर नाम से, तो ये हो गया माई कर्सर। ठीक है, सी यू आर एस ओ आर कर दिया है, और फिर चूंकि बनाया था हमने माई डीबी के नाम से, तो इज इक्वल टू माई डीबी, यहाँ पे इज इक्वल लेंगे हम, और डॉट कर्सर सी यू आर एस ओ आर। ठीक है, तो ये कर्सर एक फंक्शन है यहाँ पे। अब यहां पर एंटर करेंगे और यहाँ पे एसक्यूएल इज इक्वल टू, चूंकि हमें क्या करना है,
ड्रॉप करवाना है डेटाबेस को, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए ड्रॉप, ठीक है, टेबल को ड्रॉप कराना है। यहाँ पे लिखा मैंने टेबल, TABLE ड्रॉप टेबल इफ एग्जिस्ट, अगर वो है, यहाँ पे लिखना है ड्रॉप टेबल TABLE इफ एग्जिस्ट EXIST इफ एग्जिस्ट, ठीक है, अगर वो है तब ड्रॉप करवा दीजिए। तो यहाँ पे ये दे करके, और फिर चूंकि हमारे टेबल का क्या नाम था, तो यहाँ पे देखिए ये टेबल का नाम आपको दिखाई दे स्टूडेंट टी, ये देख सकते हैं ये दिया गया है, तो ये हमारे टेबल का नाम है, तो इसी को ड्रॉप करवाना है, तो यहाँ पे इसी का नाम आपको दे देना है, तो यहाँ पर इसका नाम दे दीजिए और डबल कॉमा को क्लोज कर दीजिए। तो ये क्लोज करके, और अब इस प्रोग्राम को बारी है रन कराने की, तो यहां से रन पे क्लिक करेंगे और रन पे क्लिक करके इसको रन कराएंगे, इसको सेव भी करेंगे, तो यहाँ पे ड्रॉप के नाम से सेव कर देता हूँ ड्रॉप, ठीक है, एंटर करेंगे और ये ड्रॉप ऑलरेडी एग्जिस्ट बता रहा है, तो किसी भी नाम से कर देते हैं, ऐसे एंटर कर देते हैं। तो यहां पर देखिए ये डबल कॉमा छूट गया, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे लगा लेते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लगा लिया, अब ये हो गया। अब यहां पर एक बात समझने वाली है कि यहाँ पे अगर आप डायरेक्टली रन करा देंगे तो ये एक्सिक्यूट नहीं होगा, तो आपको करना क्या पड़ेगा, तो माई कर्सर नाम से जो बनाया था हमने, यहाँ पे पहले देना होगा माई कर्सर, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है ऊपर, यहाँ पे देख सकते हैं ये जो ऊपर लिखा हुआ है बिल्कुल ऐसे ही आपको बिल्लिंग करके यहाँ पे दे देना है, तो ये दे दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे लगाइएगा डॉट एक्सिक्यूट, इसको एक्सिक्यूट तो करना पड़ेगा, बिना एक्सिक्यूट किए ये डिलीट कैसे होगा, तो एक्सिक्यूट नहीं करेंगे तो ये डिलीट नहीं होगा, और चूंकि नाम लास्ट में दिया था SQL, अगर आप SQL की जगह कुछ और दे देंगे, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं कुछ और दे देता हूं, जैसे मैं दे देता हूं क्या, माई डेटा दे देता हूं, तो यहां पर आपको माई डेटा ही देना होगा, ये ध्यान दीजिएगा, जो यहां पर देंगे नाम वही नाम आपको अंदर भी देना होगा, यानी ब्रैकेट के अंदर, तो ये जो माई डेटा है यही नेम आपको अंदर भी यानी ब्रैकेट के अंदर भी दे देना है, तो यहां से कॉपी करके मैं इसको यहां पे पेस्ट कर देता हूं और ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूं, ठीक है, और यहां पर प्रिंट भी करवा देता हूं, तो प्रिंट करवाऊंगा तो ये पता तो चल जाएगा कि डेटा हमारा एक्सिक्यूट हो गया सक्सेसफुली, ठीक है, एक्सिक्यूटेड सक्सेसफुली SUCCESSFULLY ये हमने कर दिया और इसको बंद कर दिया, और अब यहां पर F5 कर दिया, सेव तो ऑलरेडी कर रखा है, तो एक्सिक्यूट अगर हो गया है तो ये मैसेज प्रिंट हो गया, तो इसका मतलब कि हमारा डेटाबेस जो था उसमें जो स्टूडेंट TT नाम की टेबल थी वो डिलीट हो गई। अब डिलीट हुई कि नहीं हुई ये तो यहां से पता चलेगा MySQL में जाने से, तो ये हमारा SQL वाला टेबल था, याद है ना। अब यहां पर हम इसको यूज कर लेते हैं, एक बार डेटाबेस को यूज कर लेते हैं, यूज कर लिया, अब इसी को चेक करेंगे है कि नहीं है, तो सेलेक्ट एस्ट्रैक्ट फ्रॉम करेंगे, तो देखिए क्या लिखा हुआ है, टेबल स्कूल डॉट, ये देखिए लिखा हुआ ना स्कूल डॉट स्टूडेंट TT डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि पहले तो था लेकिन अभी क्या हुआ, डिलीट हो गया। इस तरह से कोई भी टेबल आपको डिलीट करानी हो आसानी के साथ डिलीट करा सकते हैं, और ये क्वेश्चन 3 नंबर में पूछा जाता है, याद रखिएगा 3 नंबर का ये क्वेश्चन आता है। थोड़ा सा कोड वोड इधर उधर करेंगे, कॉपी पे तो चल जाएगा, लेकिन मैंने आपको सिस्टम पे डायरेक्टली बताया कि आपको कैसे करना है, क्लियरली एकदम बता दिया है। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन होती हो तो आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।